शिवानी पांडे, तुम्हारे शौर्य के गीत कर्कश शोर में खोए नहीं, गर्व इतना था कि हम देर तक रोए नहीं। 14 फरवरी 2019 का वो दिन जब देश के 40 बहादुर जवान एक साथ शहीद हो गए थे, आज उस हमले को एक साल पूरा हो गया है। पूरा देश अपने अपने तरीके से पुलवामा के इन शहीद जवानों को याद कर रहा है। देश ने एक साल पहले एक साथ 40 शहादतों का दर्द झेला है। कश्मीर के लेथपोरा स्थित सीआरपीएफ कैंप में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। अब सीआरपीएफ ने ट्वीट कर अपने इन वीर सपूतों को याद किया है। सीआरपीएफ ने शुक्रवार को ट्वीट किया, तुम्हारे शौर्य के गीत कर्कश शोर में खोए नहीं, गर्व इतना था कि हम देर तक रोए नहीं। सीआरपीएफ ने ट्वीट किया कि हम भूले नहीं, हमने माफ नहीं किया। हम अपने उन भाइयों को सलाम करते हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए पुलवामा में अपना जीवन बलिदान कर दिया। हम ऋणी हैं, हम अपने बहादुर शहीदों के परिवारों के साथ खड़े हैं। याद दिला दें कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों के काफिले पर हमला हुआ था। जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों को ले जा रही एक बस में विस्फोटकों से भरी कार घुसा दी थी। इस आतंकी हमले में देश के 40 जवान शहीद हो गए। आज पूरा देश पुलवामा में शहीद हुए जवानों को याद कर रहा है और आज की खबर की पूरी टीम की ओर से उन सभी शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि। इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।